रोज पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता था ये बुजुर्ग। जब सच्चाई आई सामने तो उड़ गए सभी के होश, सब चौंक गए। दोस्तों, सारी दुनिया में, भारत में, मध्य प्रदेश में, यूपी में ऑक्सीजन की कमी और किल्लतों से हाहाकार मचा है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर के एक बुजुर्ग ने एक ऐसा कारनामा कर डाला जिसे देखकर आप चौंक जाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बुजुर्ग ने, जी हाँ, इनकी उम्र 68 साल की है, इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसे अगर आप देखेंगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलिए जानेंगे इस बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। क्योंकि 68 साल के रंगवासा के रहने वाले राजेंद्र पाटीदार ने रोजाना शुद्ध ऑक्सीजन की चाह में अपना डेरा पीपल के पेड़ पर जमा लिया है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पीपल के पेड़ पर 8 से 9 घंटे बैठ जाते हैं जाकर, और वो इस कदर फर्राटे से चढ़ते हैं कि देखने वाले चौंक जाते हैं। साथ में इनकी मदद करता है उनका पोता। वो बताते हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन, पर्यावरण से प्रेम, कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, वो सब पीपल के पेड़ पर बैठ के करते हैं। जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उनका ये प्रयास काफी प्रेरणा दे रहा है लोगों को, उससे और बुजुर्ग भी प्रेरित हो रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस तरह पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठना और चढ़ना इस उम्र में इतना सही नहीं है, क्योंकि जरा सा पैर फिसला और आप धड़ाम से नीचे आ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि पीपल के पेड़ पर बैठ कर ये अच्छी से ऑक्सीजन ले सकते हैं। उन्हें जब से ये पता चला है कि ऑक्सीजन की कमी से इंदौर में या फिर पूरे देश भारत में मौतें हो रही हैं, इसी वजह से उन्होंने एक कारनामा किया है। 68 साल की उम्र में इस तरह पेड़ पर चढ़कर बैठना काफी आश्चर्य करने वाला है। हालांकि कहते हैं वो कि चढ़ने उतरने से शरीर फिट रहता है और इस कार्य में उनका पोता उनकी मदद करता है और कभी कभी वो भी उनके साथ वहां जाकर बैठ जाता है। क्या कहेंगे आप, अपनी राय जरूर दें।